हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन एंड दिस इज रूपाली विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शब्द भेद। इसके पहले हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर ली हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर दे दूंगी आई बटन पे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने ये पूरी सीरीज कर ली तो आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और अगर उसमें हिंदी आती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द भेद, आज हमें शब्द भेद पढ़ना है। तो देखो, प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके से आप प्रयोग करेंगे उस हिसाब से जो शब्द हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। सिंपल है। अच्छा, शब्द भेद को दो वर्गों में या दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से दो भाग है, देखिए, शब्द भेद पहला क्या है, स्रोत के आधार पर। दूसरा क्या है, रचना के आधार पर। पहला कि वो मिलते कहाँ से हैं, उनका स्रोत कहाँ से है, वो कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरा रचना, यानी उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत के आधार। तो स्रोत के आधार पर आपके होते हैं तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और दूसरे क्या आते हैं, देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। तो तीन टाइप के हो गए आपके रचना के आधार पर और दो तरीके के हो गए आपके शब्द के आधार पर, सॉरी, दो तरीके के हो गए आपके स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तो तत्सम शब्द के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं कि तत्सम शब्द जो है वो किससे मिलके बना है, तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका क्या मतलब होता है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, डायरेक्ट कोई रूपांतरण नहीं हुआ, और वो जो के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे राजा, राजा एक संस्कृत का शब्द है जो कि हिंदी में ऐसे ही प्रयुक्त होता है। पुष्प एक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ऐसे ही प्रयुक्त होता है। कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी भाषा में आए और हिंदी भाषा में इनका ऐसे ही प्रयोग होता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। अगला आपका आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किससे मिलकर बना है, तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, उससे उत्पन्न या फिर विकसित। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, जो शब्द तो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में आके उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हो गए, तत्सम तद्भव शब्द हो गए। अब अगला आता है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम, तो अर्ध तत्सम शब्द संस्कृत के उन शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए, ठीक है। यानी पहले संस्कृत शब्द था, ठीक है, उसको जो प्राकृत भाषा के लोगों ने बोला और उसका उच्चारण जो है वो ऐसा होता है ना, कुछ शब्द जिसका उच्चारण बिगड़ते 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 बिगड़ ही जाता है, तो वो कुछ और ही रूप के हो गए। जैसे आपका हो गया बच, अज्ञा, मुह, मुख से बन गया क्या, मुह इत्यादि। तो इन तीनों प्रकार के शब्दों यानी तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, ठीक। तो इन उदाहरण से आपको पता चल जाएगा, जैसे आपका तत्सम शब्द होता है आज्ञा, ठीक, इसका अर्ध तत्सम हो गया अज्ञा और तद्भव क्या हो गया, आन। तत्सम शब्द हो गया आपका वत्स, अर्ध तत्सम बच्च और तद्भव बच्चा। इसी तरीके से अग्नि का अग्नि ही है और तद्भव क्या हो जाएगा, आग। कार्य का प्राकृत में कारज और तद्भव काज। अक्षर, अक्षर अक्षर बन गया और आधा च अक्षर और फिर तद्भव में अख या आखर हो गया। तो इस तरीके से आपके कुल तद्भव, अर्ध तत्सम और तत्सम शब्द थे। अब यहाँ देखिए, आपको तद्भव और तत्सम शब्दों की यहाँ पे पूरी श्रेणी दी गई है, ये तालिका आपको
पढ़ लेनी है अच्छे से। इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है, तो मैं आपको इसमें कुछ समझाऊंगी नहीं, सिर्फ आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखो, ये अ से शुरुआत होते हैं जो शब्द, जैसे अंग रखा, तद्भव का तत्सम क्या होता है, अंगरक्षक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका तद्भव बताइए या इसका तत्सम बताइए, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप खुद से पढ़ेंगे, या तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो, या फिर इसका आप करेंगे स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। तो ये देखो अ वाले शब्द हो गए, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं अढ़ाई, उसका मतलब क्या होता है, अर्ध तृतीय। आगे देखो, अ का हो गया, फिर आ से स्टार्ट है, तो आ से ये पूरे आपके शब्द हैं, इसका भी आप पॉज करके पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, ये भी आ से है, फिर ई वाले शब्द यहाँ पर। आगे देखो, बड़ी ई और ऊ, फिर उसके बाद क्या है, बड़ा ऊ, ए और ऐसे कुछ ही है, जैसे एकलौता मतलब एकल पुत्र, ऐसा मतलब ईदृश, और एका का एक्य, फिर ओ और औ। अब यहाँ पे देखो, क के पूरे शब्द हैं, ये देखो ये पूरा आपका क वाला ही है, ये भी यहां तक क का है, फिर यहां से ये स्टार्ट होता है ख के पूरे शब्द, ये हो जाएगा आपका पूरा ग का, ये पूरे ग के शब्द हैं। फिर यहां देखेंगे आप तो घ का कुछ है, च का है यहाँ पे कुछ, ये पूरे च के शब्द हैं, ये आपका है छ का, ये पूरे छ के शब्द यहां तक, छ के बाद आया है आपका ज, ये पूरे आपके ज के शब्द है। कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना है, पढ़ना है और याद करना है, तो ये आप अपने से याद कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं तो पढ़ दूं लेकिन उससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरा छ, ये हो गया आपका ट, ट से देख रहे हो बहुत ही कम, ये हो गया आपका ठ, ठंडा, ठंडा हम बोलते हैं उसका, स्तब्ध या शीत, ठाव, ठाव का स्थान। चलो आगे देखो, ये ड, ढ और त के शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थ का भी शब्द है, द का शब्द है, द के बाद आपका ध का शब्द। तो ये ध्यान रखना, पहले तद्भव उसका तत्सम, और फिर तद्भव इसका तत्सम, फिर न के शब्द, ये पूरे आपके न के शब्द हैं। देखो यहाँ पे भी तद्भव उसका तत्सम, फिर तद्भव इसका तत्सम, ये आपके प और ये फ। फिर इधर देखो, ये क्या, ब, यहाँ पे तद्भव इसका तत्सम, तद्भव इसका तत्सम, ये भी ब है, ये पूरे ब के शब्द हैं। अब देखो, ब के बाद आ गया आपका भ, ये पूरे आपके भ के शब्द, देख सकते इतना सारा है। आगे देखिए, अगला देखिए, म, ये पूरे आपके म के शब्द हो गए, इधर भी यहां तक आपका म का है, और फिर ये क्या है, य का, य के बहुत कम है, यह मत, यह आपका तद्भव, इसका तत्सम एश, यो तद्भव, तत्सम एवं, यहाँ तद्भव, तत्सम अत्र। फिर यहाँ पे र, ये पूरे आपके क्या हो गए, र के शब्द हो गए। फिर ल, तो ये आपका ल का शब्द है, ये पूरा, और फिर व है, और फिर यहाँ पे क्या है, श है। तो ये पूरे हो गए आपके तद्भव तत्सम कंप्लीट, यरलव श, फिर ये स, स से जितने भी शब्द यहाँ पे दिए हैं, ये हो गए आपके स के यहाँ भी हैं, स के बहुत सारे शब्द हैं, ये पूरे हैं। उसके बाद ये पूरे स के शब्द हैं, यहां तक आपका स है। इसके बाद आता है ह, तो ये पूरा ह का है, यहां तक पूरा ह का था। तो ये थे आपके पूरे तद्भव और तत्सम शब्द, ये सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।